हरियाणा में बीजेपी ने दुष्यंत के खिलाफ जो किया था खेल, अब उसका जवाब देने के लिए दुष्यंत ने ढूंढ लिया नया साथी। हरियाणा के रण में चंद्रशेखर के साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला बीजेपी पर करेंगे चोट, दोनों के बीच सीटों को लेकर हो गई बात। हरियाणा चुनाव में ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर आजाद, दुष्यंत चौटाला संग मिलकर इतनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला बीजेपी से मिले छल को भूले नहीं हैं। जिस तरह से हरियाणा में पहले दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर उनकी बदौलत बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन हरियाणा के किसानों के साथ बीजेपी का जो 36 का आंकड़ा बना, उस आंकड़े ने दुष्यंत की राजनीति को बिगाड़ कर रख दिया। वक्त रहते दुष्यंत फैसला नहीं ले पाए, देर से फैसला लिया, बीजेपी से दूर हुए तो दुष्यंत की पार्टी पर भी चोट पहुंची और हरियाणा के किसानों के बीच उनकी साख पर अविश्वास पनपा। ऐसी स्थिति में दुष्यंत चौटाला को एक ऐसे सियासी दोस्त की दरकार थी जिसकी जनता के बीच बैठ हो। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला को आखिरकार वो दोस्त मिल ही गया। दलित समाज के बीच उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला, दोनों मिलकर अब हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला करेंगे। जी हाँ, अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी भी ताल ठोकेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन का फैसला किया है। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि हरियाणा के 70 सीटों पर जेजेपी और 20 पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान 1 अक्टूबर को होने वाला है और वहीं इसके नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब समय बदल गया है, हरियाणा में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जब मैंने इनसे बात की तो लगा कि इनके दिल में हरियाणा को आगे ले जाने की इच्छा है। मेरा विश्वास है कि हम किसानों की लड़ाई को आगे मजबूती से ले जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला को पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम कहकर संबोधित किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद चंद्रशेखर आजाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नगीना से सांसद चुने जाने के बाद भीम आर्मी प्रमुख अब अपनी पार्टी का कद बड़ा करना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव में ताल ठोकने से पहले चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा की थी।